बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खस्ता मठरी बनी है, तो चलिए देखते हैं रेसिपी। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे मेथी की मठरी। होली आ रही है और होली के लिए कुछ नमकीन हो जाए, तो चलिए बनाते हैं आज मेथी की मठरी। इसके लिए मैंने हम ये जो मेथी की मठरी है ये आटे की बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है, ये 2 कप आटा है, मैंने आधा इसमें निकाल के रखा था। हम इसमें 2 टेबलस्पून रवा डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। अजवाइन जो है वो 1 टीस्पून मैंने ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा रब करके डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं डालूंगी पेपर पाउडर। पेपर को क्रश करके मैंने बारीक सा पाउडर बना लिया है और वो मैं डालूंगी 1 टीएसपीएन। कसूरी मेथी यहाँ पर मैंने ली हुई है 2 टेबलस्पून, वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर है जीरा 1 टीस्पून, वो भी इसमें डाल देंगे। और नमक जो है हम स्वाद के अनुसार डालेंगे या फिर आप 1 टीएसपीएन डाल सकते हो। और इसमें मैं डालूंगी, इन सबको मैं पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से ये बनना चाहिए ताकि जो हमारी मठरी जो है वो काफ़ी खस्ता बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमको इसको नहीं गूंथना है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंथना है। यहाँ पर हमने ये जो आटा है वो पूरा गूंथ लिया है और ये आधा कप पानी मुझे पूरा लगा है और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है और इस तरह से ये हमने गूंथ लिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम इसको खोल रहे हैं और ये जो हमारा हमने आटा गूंथ के रखा है उसकी छोटी छोटी लोइयाँ हम बना लेंगे इस तरह से और उसको थोड़ा सा बीच में प्रेस कर देंगे इस तरह से। मैं काफ़ी सारी बना लूंगी। मठरी जो है हम सारी बना चुके हैं। अब इन सारी मठरियों को हम कांटे से इस तरह से छेद कर देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूले नहीं। इस तरह से मैं इन सारी मठरियों को फोर्क से छेद कर लूंगी और मैं इनको तलने जा रही हूँ। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल रखा है और ये गरम हो चुका है तो हम जो हमने मठरियाँ जो है हमारी इसमें छोड़ देते हैं। और हमको इनको धीमी आंच पे फ्राई कर लेना है। पहले एक साइड जो है उनकी वो हम कंप्लीट होने देते हैं और इनको हम थोड़ा उलट पुलट कर देते हैं। मठरियों का रंग जो है वो हल्का गुलाबी और सुनहरा रंग आ चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं। हमने इसको बहुत ही सीम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी जो मठरी है वो तैयार हो रही है। अभी मैं इसी तरह से मेरी दूसरी जो मठरियाँ बाकी है अभी काफ़ी सारी तो वो हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी वाली बैच भी हमारी कल के तैयार हो गई है और इसको हम निकाल लेते हैं। इसको आप किसी किचन नैपकिन पे भी निकाल सकते हो, ये देखिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल जो रहेगा वो सारा निकल जाएगा। देखिए इस तरह से हमने सारी मठरियाँ जो है वो मैंने फ्राई कर ली है और थोड़ी बाकी है वो मैं कर लेती हूँ। देखिए सारी मठरी हमारी तैयार है। होली स्पेशल मठरी है ये, जरूर बना के देखिए और ये बहुत ही अच्छी बनी है, क्रिस्पी बनी है।
और टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इस होली इसको ज़रूर बना कर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।